हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोरिंग सोल पे। आज मैं जिस ट्रेलर का रिएक्शन देने वाला हूँ उस मूवी का नाम है तान्हा जी। अगर जिन लोगों को पता नहीं तान्हा जी के बारे उनके बता दूँ कि ये एक जनरल हुआ करते थे, मिलिट्री लीडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, जिन्होंने मराठा एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये एक पीरियोडिकल मूवी है। तो इस मूवी के डायरेक्टर है ओम राउत। इस मूवी में काम किया हुआ है अजय देवगन ने, काजोल ने, जो काफ़ी दिनों बाद एक साथ एक पर्दे पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही में है हमारे सैफ अली खान। तो पहले ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। लोग वसीयत की मौत को छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूं। इस मिट्टी की आजादी, जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। जब तक कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहराता, हम जूते नहीं पहनेंगे। कोंढाणा जीतना इतना आसान नहीं है। एक ही शिलेदार है जो एक आमगिरी फतेह कर सकता है। मुक्काम उम्रत नाव सुबेदार तानाजी मालुसरे। बाबा, सब कह रहे हैं कि देवान के पास बहुत बड़ी सेना है, कैसे हराएंगे? अब तू ही बता, कौरव और पांडवों में जीत किसकी हुई? तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से। तू जान दे सकता है, मैं जान ले सकता हूं। मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। दक्षिण से खबर आई है, उदयभान और नागिन कोंढाने को पहुंच चुके हैं। तैयारी कर अपन, तक हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। हमला पहला बार नाथ बोला था। गाँव उसकी मदद करे, जला दो। कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है शेर की तरह मरना। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीच में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका। यशस्वी भव। वाह, अगर फिल्म सेट की बात करें तो बहुत बड़े बड़े सेट नजर आते हैं। काफी विस्तृत रूप से, बहुत डिटेल्ड वे में उन्होंने दिखाया है सेट को। मुगल एम्पायर और जो मराठा एम्पायर है उनके बीच जो फ्रिक्शंस हुआ करते थे, उसके पृष्ठभूमि में ये मूवी बनी हुई है। उस समय कई सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमारी हिस्ट्री बुक में कहीं ना कहीं नहीं नजर आते। तान्हा जी के बारे में मैंने अपने हिस्ट्री टाइम पे नहीं पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे अब जाके मालूम चल रहा है कि शिवाजी के जो सेनापति थे उनका नाम तान्हा जी हुआ करता था। उसको बहुत अच्छे से दिखलाया है लोगों ने। जो एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं देख के। तो जनवरी 2020 को ये मूवी रिलीज़ हो रही है। काफ़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों की। अगर ट्रेलर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्शन सिक्वेंस हैं जो हमें 300 एम्पायर, अगर कुछ लोगों को याद होगा, 300 के एक्शन सीक्वेंस से मैच करती है, बट देसी अंदाज में, और जो कि बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है, नो डाउट। सैफ अली खान निगेटिव रोल में नज़र आ रहे हैं इस मूवी में, बट बहुत अच्छा काम लग रहा है उनको देख के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ।